तो गाइज एवेंजर तो जैसे आप सबको पता है रिसोर होने आई है। अब एक और फेजर आ गई है हमारे पास 250 एंड अभी इसको पूरा नेक्ट करेंगे। अभी आप कंडीशन में दिखाता हूँ आपको क्या कंडीशन। भाई देख रहे हो कितना डलनेस हुई है, ये पार्ट तो बिल्कुल ख़त्म ही है भाई। तो ये सारा रिस्टोर करेंगे, कलर फेंट है, स्क्रैचेस भी हैं और ये बड़ी लिमिटेड बाइक है भाई। अब इसको पूरा नेक्ट करेंगे फिर बताएंगे आपको, ठीक है। एवेंजर का जो सामान है ना सारे नट एंड बोल्ट यहाँ पे एंड अब खोलने लगे फेजर, तो फेजर के नट बोल्ट यहाँ पे जाएंगे, बॉडी जाएगी सीधा रिस्टोर के लिए वो साइड पे रखेंगे एंड उसके बाद ये सब उतारने के बाद चलेंगे अपनी आर्मी साइज पर उसका काम करेंगे। गाइस अभी हमने पीछे वाला पार्ट खोल दिया भाई, पार्ट्स चेक करो यहाँ पे पड़े। अभी मेन आगे वाला वो खोलेंगे फिर दिखाएंगे नेक्ट होके बाइक कैसे दिखती है। तो गाइस फाइनली जो पीछे से लेकर आगे तक हो गया सारा फिनिश, तो अभी इसमें रस्टिंग पार्ट दिखा दूँ भाई। बहुत ज़्यादा रस्टिंग है यहाँ पे, देख रहे हो आप, दिल्ली से आई है गाड़ी तो रस्ट देखो आप कितना। तो बस इसका ये वाला पार्ट रिमूव करना है, देन देंगे इसको डेंटिंग पेंटिंग के लिए। और पार्ट्स भाई इतने ना कि क्या बताऊँ गिनते गिनते बस हो जाएगी, इतने सारे पार्ट्स हैं दिखा तो आधे नीचे छुपे हुए हैं भाई। खोलने में मुझे 2 घंटे लग गए, तो सारे नट्स इसमें ताकि मिस ना हो, आगे पीछे ना हो और प्रॉपर लग जाए। फाइनली गाइस जितने पार्ट्स थे सारे रिमूव कर दिए और सेपरेट कर दिए मैंने आपको चेक करने के लिए भाई। चेक कर लो कितने पार्ट्स थे। इस फाइनल में जो लुक है वो बाइक की ऐसी है जो नेक्ड होने के बाद दिखती है। पल्सर तो नहीं है ये ये आपकी फेजर 250 एंड बाकी आप लोग चेक करो कैसी लगती है भाई बिना कुछ लगे लगाए। अभी तक का काम जो भाई हो गया 6 और आप देख सकते हैं मरकार हमने लगा दिया, लॉय इसमें लगाए हैं, वो बाद में फ्यूचर का प्लान है। जहाँ जहाँ पे रस्टिंग था वहाँ वहाँ पे पेंट हो गया हुआ है, ये सारा पट्टी पेंट हुआ है, चेसी पेंट हुई है, इंजन पेंट हुआ है एंड सीट कवर देखते हैं लास्ट में कस्टमर की डिमांड पर चेंज करना होगा इसको चेंज करेंगे। लास्ट में हमारे पास रह जाएगा क्रोम पार्ट, अभी हमारा सिर्फ जितना भी पेंट वर्क है वो सारा हो जाएगा, क्रोम पार्ट एंड सीट कवर वही पेंडिंग रह जाएंगे भाई। बस अब पीछे वाला सारा ढांचा वांचा लगा के फिर इसको मिलते हैं आपको और फाइनल जो लुक है वो कल ही आएगी, बिकॉज इसको वॉश करेंगे निकल करने के बाद जो आएगी ना लुक। अभी आप देख लो ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन आएगा ना बाहर निकाल के तो वो अलग ही आएगा भाई। बाकी एवेंजर जो है ना पूरी रेडी होगी, अभी बस छोटा मोटा काम है एक इसका वाइजर लगाने वाला बड़ा वाला एंड इसमें लगाना है हमने वाइट नाइट आए एंड इसको ड्रैग करना है, बैटरी से कनेक्शन देना है और स्टिकरिंग करनी है। तो ये छोटा मोटा काम है, बाकी आपको एक और दिखाता हूँ। एक वो देख लो फेजर खड़ी, इसका बॉडी पार्ट मिल जाएगा। पल्सर आई है उधमपुर से भाई, इसका पल्सर जो 150 इसको करना है 220 में कन्वर्ट, तो इसकी भी वीडियो जल्दी आएगी। और जम्मू में मुझे लगता है अभी तक किसने किया होगा ट्राई, तो ट्राई करते हैं, ट्राई क्या करते हैं पूरा बना के दिखाएंगे आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद फुल प्रॉपर वीडियो के साथ, एवेंजर के साथ।